हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि किस तरह से आप लोग जो है ग्लोई बेस बना सकते हैं, जो कि डेली बेसिस पे आप लोग जो है अपने फेस पे यूज़ कर सकते हैं। स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग और इसके अलावा जो है वर्किंग लेडीज़ हैं, वो भी इसको ईजीली अपने फेस पर अप्लाई कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक अच्छा सा प्राइमर होना चाहिए, और यहाँ पर मैं जो है प्राइमर यूज़ कर रही हूँ गिबरेनी का। आप लोग जो है जो आपको सूट करता है वो यूज़ कर लें, या फिर आप लोग ये भी बाई कर सकती हैं। मैं यहाँ पर चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि जस्ट मैं आपको मेथड बता रही हूँ। आप लोग जो है अपने फेस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डालेंगे, देन अपने फेस पे अप्लाई करेंगे। सेकंड जो चीज़ है, यहाँ पर मैं सनब्लॉक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर जो मैं यूज़ कर रही हूँ सनब्लॉक, ये जेन फॉर्म की कंपनी का है, स्पेक्ट्रा ब्लॉक। इसके रिव्यूज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा मेडिकेटेड भी है। नेक्स्ट जो है मैं उसी कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप लोग कोई भी मॉइस्चराइज़र जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। आप लोग ये वाला मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी मेडिकेटेड है, इसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके अलावा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को डालने के बाद आपने जैसे जो है मिक्स करना है। यहाँ पर मैं फिंगर की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। आप लोग जो है ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों ने कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर लेनी है। यहाँ पर जो है मैं मिस रॉज़ की फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, डेली बेसिस पे आप लोग इसको अपने फेस पे लगाएंगे तो उससे जो है बिल्कुल भी ओवर लुक नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप लोग कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में कि आप लोग यही वाली बाय करें, लेकिन मेक श्योर कि आप लोग जो भी फाउंडेशन यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा थिक नहीं हो, लाइट वेट सी हो, क्योंकि डेली बेसिस पे आप लोग अगर अपने फेस पे अप्लाई करनी है तो एक नेचुरल लुक आए तो ज़्यादा अच्छी लगती है। और फाउंडेशन जो है आप लोगों ने थोड़ी सी ही ऐड करनी है, देन आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी जो है हाइलाइटर ऐड कर लेना है। पाउडर फॉर्म में मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा इसको स्क्रैच कर लें, देन उसके अंदर ऐड कर लें। इससे यह है कि आपकी बेस जो है बहुत ज़्यादा ग्लोई हो जाएगी। अगर आप लोग को ग्लोई बेस नहीं चाहिए देन आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगर आपको ग्लोई बेस चाहिए तो आप लोग जो है मस्ट हाइलाइटर को ऐड करें। हाइलाइटर को ऐड करने के बाद जो बेस की लुक आती है वो बिल्कुल एक नेचुरल सी लगती है। लाइक ऐसा फील होता है कि आपके फेस पे नेचुरली एक ग्लो आ रही है। तो ये काफ़ी अच्छा एक ट्रिक है कि आप लोग जो है इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रैच करके हाइलाइटर ऐड करेंगे, देन आपकी बेस जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोई लुक देती है। यहाँ पर जो मैंने पहले हाइलाइटर ऐड किया था वो थोड़ा कम था, मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जो है ग्लो चाहिए थी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जितनी ग्लो चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग इसकी क्वान्टिटी बढ़ाते जाएंगे। हाइलाइटर को मैंने थोड़ा सा और ऐड किया ताकि जो है ये मज़ीद थोड़ी सी ग्लोई हो जाए। आपने जब भी मिक्सिंग करनी है तो अच्छे से ही मिक्स करना है, ताकि कोई भी चीज़ जो है वो सेपरेटली ना रह जाए। जितने अच्छे से आप लोग मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी एप्लीकेशन होगी और उतनी ही फ्लॉलेस आपकी बेस बनेगी। आप लोग फिंगर भी यूज़ कर लें, ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। आपको जैसे ईजी लगता है आप लोग जो है उस तरह से कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप डॉटेड जो है अपने फेस पे दूर दूर करके अप्लाई करेंगे, देन उसको मिक्स कर देंगे, अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। अच्छा, अगर आप लोग को ज़्यादा थिक बेस चाहिए तो आप लोग जो है फाउंडेशन को ज़्यादा अप्लाई करेंगे अपने फेस पे, और अगर आपको कम चाहिए देन जो है आप थोड़े से डॉट्स लगाएंगे, देन उसको अपने फेस पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी ज़्यादा क्वान्टिटी आप करते जाएंगे उतनी ज़्यादा थिक जो है आपकी बेस होती जाएगी। आप लोग देख भी सकते हैं कि मैंने जो है पहले थोड़ी सी लगाई थी, उससे जो है वो लाइट वेट थी बेस। जितनी मैं बेस की जो है क्वांटिटी बढ़ाती गई उससे जो है मज़ीद थिक होती गई और मज़ीद जो है वो एक और लेयर ऊपर आती गई। उसके बाद आप लोगों ने जो है ब्यूटी ब्लेंडर को हल्का सा वेट करना है। ब्यूटी ब्लेंडर को आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, क्योंकि उससे जो है आपकी बेस को जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है ब्यूटी ब्लेंडर और पानी को भी, तो आपकी बेस प्रॉपर सेट नहीं होती। बिल्कुल लाइट सा आप लोगों ने वेट करना है, देन आप लोगों ने जो है ब्यूटी ब्लेंडर को डैप डैप करना है, देन आपकी बेस जो है काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा फाइन लुक आएगी। जितने अच्छे से आप लोग जो है बेस को सेट करेंगे उतना ज़्यादा जो है आपका टाइम निकल जाएगा। लास्ट पर जो है हम लोग लाइट से कॉम्पैक्ट पाउडर लगाएंगे, जिससे जो आपकी बेस लॉक हो जाए, और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करेंगे जिससे आपकी ग्लो छुप जाए, क्योंकि मैट होता है, मैट से जो है आपकी बेस छुप सकती है। इसलिए आप लोगों ने बिल्कुल लाइट वेट सा लगाना है ताकि जो है आपकी बेस में जो ग्लो है वो ख़त्म ना हो। आप लोगों ने देखा कि बेस कितनी ज़्यादा स्मूथ बनी है। आप लोग जो है डेली बेसिस पे इस बेस को अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हुए, कॉलेज जाते हुए, इवन कि आप लोग कहीं पर भी जा रहे हैं आउटिंग के लिए जा रहे हैं, तब भी आप लोग जो है इस बेस को अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग देखें कि इसकी ग्लो कितनी ज़्यादा है,
और कितना ये नेचुरल सी अपनी एक लुक दे रही है, बिल्कुल भी ओवर नहीं लग रही। आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके मस्त बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप जो है या तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ताला आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।